वैसे तो हम वैलेंटाइन डे को कपल्स के लिए एक विशेष दिन मानते हैं, लेकिन क्या आप वैलेंटाइन डे के पीछे का दर्दनाक इतिहास जानते हैं? अगर नहीं तो चलिए हम बताते हैं कि वैलेंटाइन डे से जुड़ा एक दर्दनाक इतिहास क्या है। हर साल 14 फरवरी को मनाया जाने वाला वैलेंटाइन डे प्यार का दिन माना जाता है। इस दिन कपल एक दूसरे को समय देते हैं, अपने दिल की बात कहते हैं। वैलेंटाइन डे को प्यार करने वालों के नाम का दिन माना जाता है। वैलेंटाइन वीक का हर दिन एक खास दिन होता है। दरअसल इसके पीछे की एक रोचक कहानी है जो प्यार और बलिदान को समर्पित है। वैलेंटाइन डे को मनाने की शुरुआत रोम से शुरू हुई थी। यह त्यौहार उस दौर में शुरू हुआ था जब रोम के राजा क्लॉडियस थे और एक पादरी हुआ करता था जिनका नाम सेंट वैलेंटाइन था। वैलेंटाइन डे का त्यौहार उन्हीं के नाम पर मनाया जाता है। बताया जाता है कि रोम के पादरी सेंट वैलेंटाइन प्यार को बढ़ावा देते थे, लेकिन पादरी की यह बात राजा को पसंद नहीं थी। राजा का ये मानना था कि प्यार और शादी इंसान की सोचने की शक्ति को खत्म कर देती है। रोम के राजा क्लॉडियस ने अपने शासन के दौरान एक आदेश भी जारी किया था कि राजा के सैनिक और अधिकारी शादी के बंधन में नहीं बन सकते हैं। राजा के इस आदेश का पादरी सेंट वैलेंटाइन विरोध करते थे और पादरी ने राजा के आदेश के विपरीत जाते हुए कई सैनिकों और राजा के अधिकारियों की शादी करा दी थी, जिसके बाद राजा को पादरी पर बहुत गुस्सा आया और पादरी को फांसी की सजा सुना दी गई। पादरी को 14 फरवरी को फांसी देने का ऐलान किया गया। पादरी सेंट वैलेंटाइन को 14 फरवरी 269 के दिन फांसी पर चढ़ा दिया गया और उसी दिन से 14 फरवरी को सेंट वैलेंटाइन की याद में वैलेंटाइन डे मनाया जाने लगा। खास बात यहाँ ये भी है कि सेंट वैलेंटाइन ने अपनी मौत से पहले शहर की जेल के जेलर की बेटी को अपनी आँख दान करने की घोषणा की थी। वहीं इससे पहले सेंट वैलेंटाइन ने जैकोबस को एक पत्र भी लिखा था जिसमें लिखा था, तुम्हारा वैलेंटाइन।